गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर वन विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने देखा था क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम का किसी प्रकाश की वेवलेंथ के अब्जॉर्प्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम आज के टॉपिक में देखेंगे। जैसे कि कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप है, क्रोमोफोरिक ग्रुप वो होते हैं जिनमें पाईबंद होता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब इस पे हम यूवी लाइट डालते हैं तो यूवी लाइट में किस वेवलेंथ पर ये अब्जॉर्प्शन करता है, तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ ग्राफ है, ये बना हुआ ये ग्राफ है अब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ में, यानी वेवलेंथ किस रेंज में उस पर्टिकुलर पदार्थ या मटेरियल ने किस पर्टिकुलर वेवलेंथ को अब्जॉर्ब किया। और अब्जॉर्प्शन में जितनी ऊंचा ये ग्राफ होगा या जितनी ऊंची ये पीक होगी वो इसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। अब हम यहाँ देखें कि राइट हैंड साइड में लिखा हो बेथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। अगर ये ग्राफ की पीक ऊपर बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ, यानी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ती है, यानी कि ग्राफ की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसको कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और ग्राफ की इंटेंसिटी कम होगी तो उसको कहेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जैसे हम इसको आगे देखते हैं, देखिए फर्स्ट वन इज बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। इस बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट में क्या होता है, जो अब्जॉर्प्शन की पीक है वो उच्चतर वेवलेंथ की तरफ खिसक जाती है, यानी राइट हैंड, यानी कि इस ग्राफ में राइट हैंड साइड की तरफ मूव करती है। इसमें एग्जांपल हम देखें तो ओएच ग्रुप एमिन ग्रुप, यानी कि किसी पदार्थ में अगर ओएच ग्रुप या एमिन ग्रुप होगा तो ओएच ग्रुप और एमिन ग्रुप ऑक्सोक्रोम के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, और इस ऑक्सोक्रोम के कारण जो वेवलेंथ है वो उच्चतर वेवलेंथ की तरफ चली जाएगी, यानी कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखें तो एथीन, जो सिंपल एथीन है वो 170 नैनोमीटर पे अब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करती है, लेकिन अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करें तो 1,3-ब्यूटाडाइन में एक पाईबंद और आ गया तो वो 217 नैनोमीटर पे अब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करती है। लैम्डा के मान बढ़ने को बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। अगर ऐसे लैम्डा का मान कम हो जाए, यानी कि जो पीक है वो कम वेवलेंथ की तरफ मूव करे, तो उसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, यानी जो अब्जॉर्प्शन पीक है उसका मैक्सिमा, यानी ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ये मैक्सिमा, पहले मैं आपको बताता हूँ वो मैक्सिमा कहाँ है। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये कहलाता है मैक्सिमा, ठीक है। अगर इधर की तरफ मूव हो रहा है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट, इधर की तरफ मूव हो रहा है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ऊपर की तरफ मूव होगा तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और नीचे की साइड मूव होगा तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, है ना। तो ये जो मैक्सिमा है, अगर कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो, यानी इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो, तो वो क्या कहलाता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहलाता है। इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे एनिलीन है, एनिलीन का अब्जॉर्प्शन होता है 280 nm नैनोमीटर पे, लेकिन अगर एनिलीन एसिडिक सॉल्यूशन में लिया जाए तो 200 नैनोमीटर पर ही ये अब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करेगा। क्यों? एसिडिक सॉल्यूशन का जो H प्लस है वो एनिलीन के एमिन ग्रुप पे जाके जुड़ेगा और NH3 प्लस बना लेगा, तो एमिन पे फिर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होगा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होगा तो ऑक्सोक्रोम वाला प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं होगा। इसके बाद वाला शिफ्ट है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें पीक का जो मैक्सिमा, यानी चोटी वाला पॉइंट है ऊपर, सबसे ऊपर, वो और ऊपर की तरफ हो जाता है, यानी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इसको इंटेंसिटी बढ़ने को हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसमें इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन किसके कारण, ऑक्सोक्रोम के कारण। एग्जाम्पल के रूप में हम ये देखते हैं, प्रीडिन में अगर मेथिल ग्रुप की पोजिशन सेकेंड नंबर पर शिफ्ट हो जाए तो अब्जॉर्प्शन पीक
पिक 2750 की जगह 3560 पे शिफ्ट हो जाती है। अब अगर अब्जॉर्प्शन की पिक कम हो जाए, यानी अब्जॉर्प्शन कम हो या इंटेंसिटी कम हो जाए, तो उसको हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बाईफेनिल ग्रुप में यदि मेथिल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आ जाता है तो इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। अब हम इसको एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे ये मैन और डायग्राम है, ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई पदार्थ में कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ता है तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि तरंग धीरे धीरे बढ़ जाती है और कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाते हैं, ठीक है। अगर पदार्थ में पहले से ऑक्सोक्रोम हो, जैसे एमिन ग्रुप, और उसमें अम्ल हम मिला दें, तो अम्ल एच प्लस आयन एमिन ग्रुप पर जाके एमिन ग्रुप के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को समाप्त कर देता है, तो फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है, जिसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर कोई क्रियात्मक समूह इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, यानी ये पीक है, जो ये पीक है ये बढ़ जाती है, तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी, और अगर ये पीक कम हो जाती है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी। तो आया बच्चा आपको समझ में? नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। ये मैंने PDF और असाइनमेंट आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भेज दिए हैं, आप इस PDF को देखिएगा और असाइनमेंट को पूरा कीजिएगा, और कोई क्यूरी हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।